सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। और अब तक तुम झूठ बोलते रहे कि तुम अवनीश से नहीं मिले, क्योंकि अवनीश ने मुझसे वादा लिया था कि वो मुझे बॉम्बे में मिला था, ये बात मैं किसी से ना कहूं। ये बात तब की है जब मैं टैक्सी चलाया करता था। How stupid of us. Rubbish. अरे दो अजीज दोस्त इतने सालों के बाद मिल रहे हैं और एक दूसरे से छिपने की कोशिश कर रहे हैं। अवनीश, तूने मुझे पहचान लिया? यार सत्या, ये सब क्या है? तू और एक टैक्सी ड्राइवर? सत्या, मजबूरन अगर तुझे टैक्सी चलानी पड़ रही है तो क्या हुआ? यार पूरा वक्त तो सबकी जिंदगी में आता है। यार इस तरह की जिल्लत और शर्मिंदगी की जिंदगी मैं नहीं बिता सकता, इसलिए मैं तेरे से छिप रहा था। यार कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाने में कोई शर्म नहीं होती। लेकिन तू मुझसे क्यों छुप रहा था? सत्या, मैं यहां किसी ऐसे काम से आया हूं जिसे मैं सीक्रेट रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी यह पता चले कि मैं यहां आया था। ऐसी क्या बात है, कोई परेशानी है? इस वक्त मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता सत्या, लेकिन तू मुझसे एक वादा कर, तू किसी को यह नहीं बताएगा कि तू मुझसे मिला था। अवनीश ने अपनी वो वसीयत 7 महीने पहले तैयार की थी, और इस वसीयत के मुताबिक तुम्हें कपिल और जावेद को 25-25 लाख रुपए मिलने हैं। और अवनीश से तुम्हारी मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी, यानी वसीयत करने के बाद। इसका मतलब शायद तुम वसीयत के बारे में जानते थे। कर्नल, मेरा यकीन करो, मैं विल के बारे में कुछ नहीं जानता था। बस अब और झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूं कर्नल, बिलीव मी। ठीक है, अब पता करना होगा बाकी सारे लोगों को विल के बारे में पता था या नहीं। नहीं कर्नल, मैं ये बात बिल्कुल ही नहीं जानता था कि अभिनीश ने अपनी वसीयत तैयार करवाई है और मेरे लिए 25 लाख रुपए छोड़े हैं। ये बात तो जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता कर्नल। अवनीश साहब की आखिरी मुलाकात कब हुई थी? जी 7 साल पहले, उसके न्यूयॉर्क जाने से पहले मुंबई में। जी हाँ। इन 7 सालों में तुम्हारा अवनीश से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? जी फोन पे 2-4 बार बातें हुई बस। सोच कर बोलिएगा, क्योंकि अगर हमें पता चला कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं मिस्टर तपिल। आप अवनीश से कब मिले थे? 6 महीने पहले। एक्सक्यूज मी माइकीज प्लीज। ये तो अवनीश है। थैंक यू अवनीश। ए अवनीश, आओ कपिल, अंदर आओ। कैसे हो दोस्त? बाहर में गया दोस्त, और इतने सालों बाद हम अचानक मिल रहे हैं, और तुमने मुझे नीचे ऐसे इग्नोर किया जैसे तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। अब ये मत कह देना कि तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। देखिए कपिल, प्लीज नाराज मत हो। एक्चुअली मैं अपनी मुंबई विजिट जरा सीक्रेट रखना चाहता था,
और तू मुझे वादा करके तू मुझसे मिला था, ये बात किसी को नहीं कहेगा। और अनिश ने आपसे ये नहीं बताया कि मुंबई किस काम के लिए आया था और अपने विजिट सीक्रेट क्यों रखना चाहता था? जी नहीं। श्योर? आप कुछ भी छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं कर्नल, मैं कुछ भी झूठ बोलकर मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। मैं आपको शुरुआत से सब कुछ बताता हूं। कुछ भी मत छिपाइए। अगर आप चाहते हैं आपके बेटे का कातिल पकड़ा जाए तो। जी, न्यूयॉर्क से मुंबई आने के बाद अवनीश ने मुझे फोन किया था। ये बात 12 फरवरी की है। वो मुझसे मिलने यहां आने वाला था लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि इतनी लंबी फ्लाइट से आने के बाद वो थक गया होगा, इसलिए मैं ही उसे मिलने उसके बंगले पर चला गया। अवनीश और आप हमेशा से अलग अलग रहते थे? जी नहीं, एक्चुअली ये मेरे छोटे बेटे मनीष का घर है। अवनीश के न्यूयॉर्क चले जाने के बाद मैं यहां रहने चला आया अपनी बहू के साथ। आपका छोटा बेटा मनीष? उसे गुजरे हुए 3 साल हो गए। एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। यह है मेरी बहू रुचिका। तो अवनीश से मिलने आप उसके घर गए? जी हाँ, जब मैं वहां गया तो पुलिस वहां पहले से मौजूद थी और अवनीश का कत्ल हो चुका था। ऐसे ही। रुचिका जी, आप उस वक्त कहां थे जिस वक्त अवनीश का कत्ल हुआ? वेल, मैं उस वक्त ब्यूटी पार्लर में थी, फेशियल करवा रही थी। उसके बाद मैंने मैनिक्योर और फिर पेडिक्योर भी करवाया। आप चाहें तो जाकर ब्यूटी पार्लर में पूछताछ कर सकते हैं। शायद आपको मेरा यह सवाल पूछना अच्छा नहीं लगा। वैसे मुझे आपकी बात पर भरोसा है। तो प्लीज इस फिजूल की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। अवनीश भैया का कातिल वही है, उनका वो कड़का दोस्त, क्या नाम है उसका, सत्येंद्र। अवनीश भैया ने विल में उसके नाम जो रुपया छोड़ा है उसी के लिए उसने उनका मर्डर किया है। चिका जी, वसीयत में अवनीश ने आपके नाम भी अच्छी खासी रकम छोड़ी है, 2 करोड़ रुपए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अवनीश की मौत से सिर्फ सत्या को ही नहीं बाकी कई लोगों को फायदा हुआ है। आपको, आपको और अवनीश के 2 दोस्तों को भी। यानी आप हम पर भी शक कर रहे हैं? जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता आप सब मेरे शक के दायरे में रहेंगे। अवनीश के दोस्तों को आप कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। ये चारों कई सालों से आपस में दोस्त थे। सत्या के अलावा बाकी 2 दोस्तों में से आपको किसी पर शक? जावेद का बर्ताव एक बार मुझे कुछ अजीब सा लगा था। जब न्यूयॉर्क में वो मुझसे मिला था तो उसने मुझे हेलो तक नहीं किया था। शायद अवनीश और उसके बीच में कुछ हो गया। जावेद, अवनीश से मेरी आखिरी मुलाकात 7 साल पहले हुई थी, 13 फरवरी 1994 को। उसके बाद मैं मस्कट और वो न्यूयॉर्क चला गया। कब लौटे आप मस्कट से? 12 तारीख को। 13 तारीख को हम सब दोस्त मिलने वाले थे। मैं दोस्तों से मिलने के लिए बेचैन था, सोचा भी नहीं था कि उससे अब कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। खुदा उसे जन्नत बख्शे। इन 7 सालों में आप उनसे कभी नहीं मिले? कभी नहीं। क्या इस बीच आप कभी न्यूयॉर्क गए थे? कभी नहीं। मैं आपका पासपोर्ट देखना चाहता हूं। प्लीज शो मी योर पासपोर्ट। आप मुझे पासपोर्ट दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
क्योंकि ना तो आपके पास सर्च वारंट है और ना ही आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। देखिए जावेद साहब, सच बोलकर आप कई मुसीबतों से बच सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा झूठ आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। हाँ, मैं न्यूयॉर्क गया था। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो जावेद? मैं ये चाहता हूं कि तुम यहां की एक पार्टी तैयार करो जो इस माल का ऑर्डर प्लेस करेगी, लेकिन ये ऑर्डर कम से कम एक शिपलोड का होना चाहिए। फिर यह कि यहां के पेमेंट के सिस्टम के मुताबिक LC पेमेंट होगा। कंडीशन यह होगी कि माल जैसे यहां पहुंचेगा हमको पूरी पेमेंट मिल जाएगी। ओके। अब प्लान यह है कि माल के साथ जैसे शिप यहां आएगा हम पार्टी से पूरी की पूरी पेमेंट ले लेंगे, बस हमारा काम खत्म। लेकिन जब शिप के कंटेनर खुलेंगे तो उसमें नमक के सिवाय और कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। जावेद, तुम मेरे पुराने अजीज दोस्तों में से एक हो, इसलिए अगर तुम्हारी जगह कोई और मेरे पास ये घटिया डील लेकर आया होता तो मैं उसे यहां से धक्के देकर बाहर निकाल देता। अवनीश, प्लीज तुम यहां से चले जाओ। जावेद, अवनीश से इस मुलाकात के बाद मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया, शर्म महसूस हुई। सिर्फ यही वजह थी आपने मुझसे भी बात छुपाने की कोशिश की? मेरा यकीन कीजिए कर्नल, इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। इस वाकये के बाद आपके मन में उसके प्रति कड़वाहट नहीं पैदा हुई? नहीं, बल्कि मैं उसकी और भी ज्यादा इज्जत करने लग गया, और मैं उससे मिलकर उसे बताना चाहता था कि मैं फिर से पुराना जावेद बन गया हूं। चार दोस्त, एक मारा गया और बाकी तीन आधा सच आधा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पूरा सच जाने बगैर यह नहीं साबित किया जा सकता है कातिल कौन है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। कहिए, मैं आपके क्या मदद कर सकता हूं? अवनीश भारद्वाज मर्डर केस का इंचार्ज कौन है? मैं। आपकी तारीफ? मैं रुचिका भारद्वाज, अवनीश भारद्वाज मेरे जेठ थे। तो क्या काम है आपको? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इस केस के इंचार्ज आप हैं तो ये कर्नल साहब किस हैसियत से इस केस की तहकीकात कर रहे हैं? Why is he wasting his time? मैडम, कर्नल परमवीर सत्येंद्र खोले की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और हाँ, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। What सच्चाई are you talking about, Inspector? साफ जाहिर है कि कातिल सत्या है। ये बात अभी तक यकीन के साथ नहीं कही जा सकती। तो फिर वो आपकी हिरासत में क्यों है? देखिए, उसे शक के बिना पर गिरफ्तार किया गया है और अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ। तो कब साबित होगा? महीने में, दो महीने में, साल में, या 10-20 साल लग जाएंगे आपको एक कातिल को कातिल साबित करने में? बहुत जल्दी है आपको सत्या को फांसी पर चढ़ाने? मुझे सत्या को फांसी पर चढ़वाने की कोई जल्दी नहीं है इंस्पेक्टर। मुझे जल्दी है अपने और अपने ससुर का वो हिस्सा पाने की जो अवनीश भैया की वसीयत के मुताबिक हमें मिलने वाला है। तुम्हारा मतलब है अवनीश भरद्वाज का आपके नाम जो रुपया है वो? बिल्कुल। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हमें हमारा रुपया नहीं मिलेगा, और मुझे उस रुपए की सख्त जरूरत है, जल्द से जल्द। आई नीड माई मनी फास्ट। जरा देखो मां, पीछे से कोई आने जाने का रास्ता है या नहीं? यस कर्नल।
तुम इस बंगले के वॉचमैन हो? जी साहब। कहाँ गए थे? खैनी लाने गए हुए थे। आपको किसे मिलना है? तुम्हें से मिलना है। हमसे? या अवनीश भारद्वाज की लाश को सबसे पहले तुमने देखा था? जी साहब, देखी तो हमी ने थी और हमी ने पुलिस को फोन भी किया था। क्या हुआ था उस दिन? साहब विदेश से सुबह सुबह लौटे थे। आज दोपहर को हमको बोले कि जाके बनिया की दुकान से सामान लाओ। हम चले गए सामान लेने और लेके जैसे आए तो देखे कि साहब गिरे हुए हैं, मरे हुए हैं। तुम्हारे सामान लाने जाने से पहले भारद्वाज साहब से मिलने कोई आया था यहाँ? नहीं साहब। तुम्हें अच्छी तरह से याद है? हाँ याद है, कोई नहीं आया था। देखो ऐसा भी हो सकता है कोई आया गया हो और तुम्हारी नजर से चूक गया हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है साहब, हम अपने ड्यूटी बड़ा होशियारी से निभाते हैं और मेरी नजरों से कोई चूक नहीं सकता है साहब। ओ वॉचमैन जी, क्या नाम बताया आपका? जी हाँ, जो भी है, जब तुम इधर उधर घूमने फिरने चले जाते हो ना तो पीछे दरिया के रास्ते से इस बंगले में कोई भी आ सकता है, मेरी तरह सेब चुरा सकता है या फिर किसी का कत्ल करके वापस भी जा सकता है।